इस केस में जो हमारी पेशेंट है वो खुद एक डॉक्टर है और प्रेगनेंसी के बाद और मैसिव वेट लॉस के बाद, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिटनेस वीक हैं, काफ़ी रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं और काफ़ी वेट लूज किया है उन्होंने, तो उससे उनको जो प्रॉब्लम हुई और उनको जो कंसर्न जो बॉदर करता है वो ये है कि उनकी ब्रेस्ट जो है दोनों सैग कर गई हैं और बहुत ज़्यादा सैगिंग है उसके अंदर। सो वो उसी की कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आई थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो उन्हें बॉदर करती थी कि उनका जो ब्रेस्ट का निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, जो पिगमेंटेड पार्ट होता है ब्रेस्ट के निपल का और उसके पास का, वो काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट था। तो ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी बॉदर कर रही थी क्योंकि वो बाकी बहुत अच्छी शेप में थी, बहुत अच्छे से उन्होंने खुद को मेंटेन किया हुआ था, लेकिन बाकी बॉडी की कंपैरेटिवली ब्रेस्ट बिल्कुल थिंड आउट और सैगिंग थी और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट था। सो जब कंसल्टेशन हमने किया और एग्जामिन किया उनको, तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि उनकी जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है वो एक तरह से मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो ब्रेस्ट सैग हुई नहीं है, उसके अलावा ब्रेस्ट में वॉल्यूम कम है जिसकी वजह से ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली सैगिंग और शंकल लगती हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो वो खुद भी कहती थी कि निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती। चैलेंजेस इस केस में हमारे लिए थे, वो थे सबसे पहला कि इतनी मैसिव जो सैगिंग है ब्रेस्ट की उसको लिफ्ट करना, जो वॉल्यूम कम हुआ हुआ है ब्रेस्ट में उसको ऐड करना, ये सब चीज़ें करना विद मिनिमम स्कारिंग, एक नेचुरल लुक के साथ ब्रेस्ट की सिमेट्री मेंटेन करते हुए, और फाइनली निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को भी रिड्यूस करना और ऐसा शेप और साइज देना कि जो बिल्कुल नेचुरल लगे। ये सब पॉइंट्स कंसिडर करते हुए और एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद हमारे जो डॉक्टर पेशेंट हैं उनसे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हमें जो प्रोसीजर करना है ब्रेस्ट लिफ्ट का विद एडिशन ऑफ वॉल्यूम, वो हम एक ही इंसीजन से करेंगे और उस एक ही इंसीजन से हम ब्रेस्ट लिफ्ट भी करेंगे, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को भी रिड्यूस करेंगे और साथ के साथ उसी इंसीजन से हम इम्प्लांट भी इंसर्ट करेंगे, सो दैट कि जो हमारे गोल है ब्रेस्ट लिफ्ट विद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के वो अचीव कर सके विद मिनिमम स्कारिंग। अब इसमें प्लानिंग पार्ट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि कौन सा इम्प्लांट यूज़ करना है, किस साइज का इम्प्लांट यूज़ करना है, किस तरह का इम्प्लांट यूज़ करना है और किस कंपनी का इम्प्लांट यूज़ करना है। सो ये सब चीज़ें जब हमने उनसे पेशेंट से डिस्कस की, साइज़ प्रॉपर डिसाइड किया जो कि उनकी ब्रेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट था, इम्प्लांट की शेप हमने डिसाइड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और हमने प्रोसीजर प्लान किया। पेशेंट का प्रोसीजर बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा, रिकवरी वॉज एब्सोल्युटली अनइवेंटफुल, कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और इनफैक्ट वो 5 से 6 दिन बाद इतना क्विक रिकवरी थी कि 5 से 6 दिन बाद उन्होंने वापस हॉस्पिटल जाना और अपना क्लिनिक जाना स्टार्ट कर। तो जब हम कंपेयर करते हैं प्री प्रोसीजर पिक्चर्स और पोस्ट प्रोसीजर पिक्चर्स को, तो हम क्लियरली देखते हैं कि किस तरह से एक तरह से वॉल्यूमलेस और सैगिंग ब्रेस्ट विद अननेचुरल लुकिंग निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूथफुल यंग लुकिंग ब्रेस्ट जो कि आपकी प्री प्रेगनेंसी सिचुएशन में थी या प्री वेट लॉस सिचुएशन में थी, जिससे कि आप और बेटर और कॉन्फिडेंट फील कर सकें। सो अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं और किसी भी वजह से वेट लॉस की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या एक ग्रेजुअल एज के प्रोग्रेशन की वजह से आपकी ब्रेस्ट सैग कर गई है, वॉल्यूम कम हो गया है ब्रेस्ट में, तो आप मेस्टोपेक्सी और इम्प्लांट एक कॉम्बिनेशन टेक्निक से मिनिमम स्कारिंग से वापस अपनी यूथफुल ब्रेस्ट अचीव कर सकते हैं और अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। थैंक यू।